सवाल कौशल मिश्रा जी, आज जो भी कुछ हुआ, वाकई अगर निजी टिप्पणी किसी प्रधानमंत्री के लिए की जा रही है तो निंदनीय है, लेकिन सवाल यह है कि इससे बीजेपी को फायदा हमेशा से हुआ है, क्या 2024 में फिर से फायदा होगा? आपको पता है जितना ये कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल फूलेगा, ये बात मोदी जी हमेशा कहते हैं जी, और ये बात सच्चाई भी है और नेचुरल भी है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और कीचड़ उछालने का काम अगर कांग्रेस कर रही है तो उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, वो कीचड़ उछालते रहे, हम कमल खिलाते रहेंगे। और आज से कुछ समय पहले मोदी जी से पूछा गया था कि आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे रोज विपक्ष वाले 2-3 किलो गालियां देते हैं जिससे मेरी स्फूर्ति बनी रहती है, ताकत बनी रहती है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कांग्रेस वाले इस तरह से कीचड़ उछालते रहे, हम कमल खिलाते रहेंगे, देश की जनता के दिल में बसते रहेंगे, ये तो इन्हें सोचना है ना, क्योंकि बीजेपी हटाने के बारे में ये सोचेंगे, हम तो नहीं बताएंगे ना इनको कैसे हटेंगे, हम तो काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ, और हम काम करते रहेंगे, कमल खिलाते रहेंगे, ये कीचड़ उछालते रहें, ये राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, चाहे अध्यक्ष खड़गे जी हो, या इनके विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम बता ही दिया, इनके कांग्रेस के सारे बड़े नेता इस तरह की कीचड़ उछालते रहे हैं, और इन्होंने जितना कीचड़ उछाला है देशवासियों ने उतना ही कमल खिलाया है, इस बार फिर इन्होंने कीचड़ उछाला है, 24 में फिर कमल खिलेगा, 27 में भी कमल खिलेगा, और मुझे लगता है कि 47 से पहले प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली नहीं है, क्योंकि ये जो स्वर्णिम काल चल रहा है, जिस तरीके से भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, 5वीं इकोनॉमी हम बन चुके हैं, उसको दूसरी इकोनॉमी और फिर पहली इकोनॉमी बनाने के जिस तरीके से संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, तो बस मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस कीचड़ उछालती रहे, हम कमल खिलाते रहेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पवन खेड़ा साहब माफी भी मांगते हुए नजर आए हैं। देखिए, पवन खेड़ा जी की माफी, जैसे कि आपने अभी क्या नाम लिया, पवन टेढ़ा? हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया था, क्या बोला, पवन टेढ़ा? सर मैं तो पवन खेड़ा ही बोल रही हूँ। नहीं, पवन खेड़ा जी हैं, तो पवन खेड़ा जी की बात करो, पवन टेढ़ा जी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो पवन खेड़ा जी ने जिस तरीके से माफी मांगी वो आपको भी दिखा और हमें भी दिखा, जैसे मैं सुन नहीं पाया पवन खेड़ा और सुन गया पवन टेढ़ा, ऐसी गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, पर आपको भी सच्चाई पता है और मुझे भी सच्चाई पता है।